प्रधान प्रतिनिधि के प्रताड़ना से परेशान होकर समाजसेवी पहुंचा आत्मदाह करने कलेट परिसर। पूरा मामला देवरिया जिले भटनी थाना क्षेत्र के नोनापार ग्राम सभा का है, जहां समाजसेवी मोनू तिवारी ने ये आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान प्रतिनिधि के द्वारा मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज कर प्रताड़ित किया जा रहा, जिसकी वजह से आज मैं आत्मदाह करने कदम उठाया हूं। साथ ही बताया कि प्रतिनिधि के साथ भटनी थाने की पुलिस की मिलीभगत है, जिसकी जांच कर उन पर भी कार्रवाई की जाए। तो वही सदर कोतवाल वेद प्रकाश शर्मा के काफी समझाने के बाद मोनू ने जिलाधिकारी से मिलकर अपनी समस्या बताया, तो वही देखा जाए तो पूरा कलेक्ट परिसर छावनी में तब्दील नजर आया। आपको बता दें कि मोनू ने 26 बार रक्तदान कर लोगों को भी रक्तदान करने के प्रेरित किया, जिसकी आज लोगों के द्वारा इसकी सराहना की जाती है। हमारा मामला है कि हमको हमारे गांव प्रधान प्रतिनिधि रामा शंकर यादव द्वारा हमारा पिटा गया था, हमने उनके ऊपर केस लिखवाया था। उसी की वजह से वो मुझे बहुत बार टॉर्चर कर दिया मानसिक रूप से, कई बार हमारे पे रिवॉल्वर लगाए हैं, कई बार मेरे पे जनाजा निकालने के धमकी दिए थे। मैंने जिला अधिकारी महोदय पुलिस अधीक्षक थाने सबसे मैं मिल चुका था, जिससे आज मैं मजबूर पीड़ित होकर जिला अधिकारी महोदय के यहाँ आया था कलेक्ट्रेट देवरिया में, और मैं आया था कि अगर हमारी मांग नहीं पूरी की गई तो आज मैं आत्मदाह करूंगा। क्या क्या हुआ गया? फिर आए देवरिया कोतवाल साहब वेद प्रकाश जी, आए हमसे बातचीत किए शांतिपूर्वक, और जिलाधिकारी महोदय से हमसे मिलवाए, जो कि जिलाधिकारी महोदय जी ने कहा है कि हम जांच कर कार्रवाई कराएंगे और जल्द से जल्द कराएंगे। हमारी तीन सूत्रीय मांग थी। पहला मांग था कि तत्काल दामा शंकर यादव की गिरफ्तारी की जाए। दूसरी मांग थी कि जो मेरे पे फर्जी मुकदमा लगा उसको खत्म की जाए। तीसरी मांग थी जो भटनी थाने में जो तैनात उप निरीक्षक परवेज अहमद और पुलिसकर्मी द्वारा जो कि रामा शंकर यादव प्रधान प्रतिनिधि नोनापार से पैसा लेकर हमको टॉर्चर कराया जा रहा था, इन लोग को तत्काल वहां से हटाया जाए। लंबे समय से वो लोग हैं, उन लोग की वही धंधा है। अगर हमारी मांग अगर 10 दिन के अंदर पूरी नहीं की गई तो मैं मजबूर विवश थक हार कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आत्मदाह करने पर मजबूर हो जाएंगे।